डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो स्पेशल होने वाला है, तो आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है विथ द फैक्ट, क्योंकि मैंने विथ प्रूफ एक्सेस किया है कि आप इसको देख लिए होंगे। काउंसिल क्या सोचती है 2020 के रिजल्ट के बारे में और स्कूलों के साथ क्या उसका कम्युनिकेशन लेवल है। तो पहली बात की काउंसिल की फर्स्ट प्रियोरिटीज इस रिजल्ट को पब्लिश करना है और इस पर वह वर्क कर रही है। फ्यूचर में एग्जामिनेशन होने के डेट निकाल दिए गए हैं और ये एग्जामिनेशन होने हैं। आईसीएसई क्लास 10th और आईएससी क्लास 12th के रिजल्ट कैसे आएंगे। काउंसिल का स्पष्ट रूप से डिस्कशन है कि ये रिजल्ट पॉजिटिवली जुलाई एंड तक किसी भी कीमत पर आ जाने चाहिए। सबसे पहले आईएससी क्लास 12th का रिजल्ट आएगा और इसको पब्लिश करने के लिए काउंसिल का डेडलाइन 25th जुलाई 2020 रखा गया है। मतलब कि 25th जुलाई 2020 या इससे पहले आईएससी 2020 के रिजल्ट आ जाने चाहिए पॉजिटिवली, इससे ज्यादा देर नहीं हो। और आईसीएससी क्लास 10th के रिजल्ट 30th जुलाई 2020 तक आ जाना चाहिए। यदि किसी अबनॉर्मल कंडीशन वुड नॉट बी हैपनिंग, मतलब कि अब ये फाइनल हो चुका है कि ये रिजल्ट जुलाई तक आ जाएंगे, जुलाई से ज्यादा एक्सटेंशन के पीरियड के बारे में काउंसिल अभी कुछ नहीं सोच रही है। काउंसिल का स्पष्ट रूप से कहना है कि रिजल्ट को लेकर जितने भी होम बेस्ड कॉपी के चेकिंग मार्च से अप्रैल में हुए या फिर मई के दौरान 25th मई 2020 तक हुए, उनमें स्टूडेंट के साथ और उनके आंसर शीट को लेकर काफी अच्छी और पॉजिटिव न्यूज की बात की गई है। अभी तक के जो भी डॉक्यूमेंट्स एक्सेस हुए हैं वे बताते हैं कि काउंसिल को जो भी रिपोर्ट भेजी गई है उसमें फेल करने वाले स्टूडेंट की संख्या नेग्लिजेबल है। इवन जो कॉमर्स में अकाउंटेंसी, साइंस में फिजिक्स, क्लास 10th में मैथ और क्लास 12th में मैथ के पेपर में फेल करने वाले स्टूडेंट के जो प्री मैच्योर डाटा है ये बताते हैं कि नो स्टूडेंट हैव बीन फेल्ड सो फार। स्टूडेंट को बेहतर मार्क्स दिए जा रहे हैं, स्टूडेंट को पास करने की टेंडेंसी दर्शाई गई है। सेकेंड है कि काउंसिल चाहती है कि इस बार के जो भी रिजल्ट आ रहे हैं इसमें किसी भी आकस्मिक यानी कि फॉर इमीडिएट एंड सडन काउज काउंसिल मस्ट बी अवेयर्ड ऑफ फॉर एनी सिचुएशन। मतलब आपको स्पष्ट हो गया कि कोई भी सिचुएशन आ जाए रिजल्ट को निकाल देना है, ताकि सबसे पहली और वरीयता वाली बात होगी कि आईएससी क्लास 12th के रिजल्ट इसलिए इंपॉर्टेंट हो गए कि नीट और जेई जैसे मेंस के एग्जामिनेशन जुलाई में कंडक्ट होने के 10 से 12 दिनों के अंदर उनके रिजल्ट निकल जाएंगे और उसके बाद उन्हें रिजल्ट चाहिए होगा। तो काउंसिल कंपल्सरली फोर्सफुल है कि वे अपने रिजल्ट को आईएससी क्लास 12th के निकाल दे। अब आप सोच रहे होंगे कि बहुत सारे पेपर के एग्जामिनेशन अभी तक नहीं हुए हैं या फिर जुलाई में होने हैं, तो काउंसिल का साफ मानना है कि जो कुछ भी सिचुएशन रहा हो रिजल्ट को किसी भी कीमत पर निकाल देने हैं और ए रिजल्ट ऑप्टिमिस्टिकली मस्ट बी बेटर इन एवरी कंटेक्स्ट, आइदर यू विल बी थिंकिंग ऑफ द पास्ट ईयर्स और नॉट। क्योंकि इस बार काउंसिल के सामने दुविधा है कि आईसीएसई क्लास 10th के बहुत सारे स्टूडेंट आईएससी 11th क्लास में एडमिशन लेके पढ़ रहे हैं, तो जो स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम में पढ़ रहे हैं या फिर कॉमर्स स्ट्रीम में पढ़ रहे हैं उनके मार्क्स में वेरिएशन आ सकता है। तो इस मार्क्स में वेरिएशन को नेग्लिजेबल करने के लिए मतलब कि स्कूलों को यह आदेश दे दिया गया है कि आप स्टूडेंट को साइंस स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम में ले लीजिए एडमिशन क्लास 10th के क्लास 11th में, तो उनको पढ़ाइए। इस लिहाज से ही उनको हर तरह के इन्वायरमेंट और क्वेश्चन दिए जाएंगे। हालांकि क्वेश्चन और एग्जामिनेशन को लेकर कोई रिपोर्ट नहीं है, तो इतनी अच्छी खबर के लिए एक तो थम्स अप बनता है और सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि मैं भविष्य में ऐसे ही वीडियो को लेकर आता रहूंगा। और आपके लिए अभी बहुत सारे मैंने डेटाज को कलेक्ट किए हैं, तो लेट गिव द टाइम ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। और इन डाटाज लेट अस वेट।